पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो के बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरएसएस और पीएफआई को लेकर दिए गए बयान से बीजेपी नेता बिल्कुल लाल हैं। अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने इस मामले में सख्त नाराजगी का इजहार किया है और उन्होंने एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सांसद ने कहा है कि आरएसएस एक देशभक्त संगठन है, वहीं पीएफआई एक राष्ट्र विरोधी संगठन है। इन दोनों की तुलना समान तरीके से करना गलत है। बिल्कुल यह बात गलत है और निश्चित रूप से बिल्कुल तथ्यहीन बात किया है। ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। आरएसएस राष्ट्र हित की बात करता है। जब भी इस राष्ट्र में जरूरत पड़ी है तो आरएसएस का काम है संगठन का, यह बहुत बड़ा संगठन है और राष्ट्र हित में राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके संगठन काम करती है। और निश्चित रूप से जो पीएफआई है वह देश में देश के बर्बादी का गतिविधि कैसे हो, वो खालिस्तान से लेके पाकिस्तान तक जो उनका समर्थक है, तो उन दोनों का तुलना करना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे अधिकारी पर, एसएसपी पर निश्चित रूप से जांच बैठाना चाहिए। अगर इस तरह का बात बोले हैं तो निश्चित रूप से इनको या तो मेडिकल में भेजना चाहिए, इनका दिमाग खराब हो गया होगा, और तत्काल इसको सरकार को संज्ञान में लेके इसको सस्पेंड करना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की बात फिर दोबारा न करें कोई। दूसरी बात है कि कोई टिप्पणी करता है, ये अपना अपना बयान है, लेकिन सत्य जो है यह होना चाहिए। हर मांग पूरी नहीं होगी, लेकिन क्या आरएसएस को पीएफआई से तुलना करना यह कहां तक न्यायोचित बात है? और मुझे विश्वास है कि सरकार निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेगी और करना भी चाहिए।